इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री के नाम शाइस्ता का एक और पत्र आया सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने लिखा पत्र। शाइस्ता ने सीएम को पत्र लिखकर लगाए कई गंभीर आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमेश पाल की हत्या में भी साजिश की आशंका। पूरे पत्र में पूरे मामले की राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। पत्र में अतीक अशरफ की हत्या की साजिश का भी आरोप था। पूरे मामले में पत्र के जरिए सीएम से दखल की मांग की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के नाम शाइस्ता परवीन का एक और पत्र सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शाइस्ता परवीन का एक और पत्र सामने आया है उमेश पाल हत्याकांड के बाद। यह पत्र लिखा गया था जो कि अब सामने आया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह साफ है और कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन हो चाहे वो अशरफ के घर वाले हो, लगातार कहीं ना कहीं दोनों की कहा सकता है कि हत्या में आशंका जताई थी। और कहीं ना कहीं जब साबरमती जेल से उनको लाया गया था और कहीं ना कहीं साबरमती जेल के रास्ते में उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर किया जाएगा, लेकिन एनकाउंटर ना होकर अतीक अहमद और उसके भाई के कहीं ना कहीं हत्या की जाती है। और अब अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद ये कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन का एक पत्र जो कि 22 फरवरी को लिखा गया था वो आज सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाइस्ता पर पत्र लिखा था उमेश पाल हत्याकांड के बाद। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, जिन्होंने पत्र लिखा था। शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से पत्र लिखकर कभी कई गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, हालांकि नाम साफ नहीं है, लेकिन उन पर भी कई आरोप लगाए और साथ ही साथ उमेश पाल में चार्जेस की आशंका के चलते ये पत्र लिखा गया था, जिसमें पूरे मामले की राजनीतिक साजिश बताई थी शाइस्ता परवीन ने। और पत्र में अतीक अहमद अशरफ की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। पूरे मामले में पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से दखल देने की बात कही गई थी कि दोनों की ही कहीं ना कहीं हत्या की जा सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी कराई जाए। और कहीं ना कहीं कहा था कि दखल देना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जरूरी था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब पत्र वायरल हुआ है और पति और देवर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग की थी शाइस्ता परवीन ने और पूछताछ जेल परिसर के अंदर की ही मांग की थी। तो अब कहीं ना कहीं अतीक अहमद और अशरफ की मृत्यु के बाद ये कह सकते हैं कि हत्या के बाद अब शाइस्ता परवीन का एक और पत्र जारी हुआ है और ये माना जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और उत्तर यूपी के जो अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं हत्या का आरोप लगाने की बात सामने आई है। इस पत्र में प्रमुख बातें क्या क्या सामने आई है अभी तक? देखिए, प्रमुख बातें साफ तौर पर इसमें कहा जा सकता है कि जब अतीक अहमद जिंदा था, साबरमती जेल में था, तब कहा था कि उत्तर प्रदेश में उसको पेशी पे ना लाया जाए और साथ ही साथ उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाए। इस तरह का भी कहा था कि उनकी एनकाउंटर किया जा सकता है, पुलिस का दस्त भी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि पूरी राजनीतिक साजिश हो रही है, उमेश पाल हत्याकांड में मेरे पति और देवर का कोई हाथ नहीं है और पूरी तरह से राजनीति के तहत मेरे पति देवर और बेटों को कहीं कहीं नाम आ रहा है। मुख्यमंत्री से कहा गया था, प्रार्थना की थी शाइस्ता परवीन ने कि इसमें दखल देने की जरूरत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशी कराई जाए, अगर पूछताछ किसी को करना है तो जेल के परिसर में ही कराया जाए। लेकिन अब ये पत्र वायरल हो रहा है, ये कहा सकता है पत्र सामने आया है जिसमें ये मांगे थी, जिसके बाद अब कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये कह सकते हैं कि हत्या के बाद ये पत्र आज सामने आया है और कई मांगे, ये कह सकते हैं 22 फरवरी का ये पत्र है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये लिखा गया था। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर भी साजिश का आरोप लगाया है, क्या किसी मंत्री का अभी तक नाम सामने आया है इसमें? देखिए, अभी फिलहाल खुलकर किसी भी का नाम नहीं आया है। पत्र की बात की जाए तो उसमें सिर्फ नाम नहीं केवल काबीना कहा गया है और ये कहा जा सकता है कि इसमें कहा गया है कि लगातार कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद है और उनके देवर हैं, उनके बेटे हैं, वो पूरी राजनीति का शिकार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उमेश पाल जो कि 24 फरवरी को ही हत्या हुई थी, उस हत्या में कहीं ना कहीं अतीक अहमद और अशरफ का हाथ ना बताया था शाइस्ता परवीन ने,
तो इस तरह की कई बातें लिखी थी पत्र में, जो अब पत्र कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये सामने आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।